मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। यूरोपीय यूनियन और कनाडा मुश्किल वक्त के सच्चे दोस्त हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर का कनाडा का दौरा, कैनेडियन पार्लियामेंट से खिताब। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना था कि कनाडा का रूस यूक्रेन जंग में किरदार काबिले तारीफ है। कनाडा का यूक्रेन को 7 इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स अतिया करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर खारजा का कहना है कि कनाडा यूक्रेन के साथ खड़ा है, पीछे नहीं हटेंगे। कनाडा हमेशा जमहूरियत, खुद मुख्तारी और इंसानी हकूक की हिमायत करता रहेगा। ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई। जुमे से शहर में बर्फबारी का आगाज होगा। शहर में पीर तक मजीद 8 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। अमरीका ने अपनी रविश ना बदली तो तसादुम हो सकता है। चीनी वजीर खारजा का इंतबाह। चियान किंग का कहना था कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, अमरीका को चाहिए कि उसे अबूर ना करे। अमरीका की तनाज़े को बढ़ावा देने की मजमूम कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीकी वजीर दिफा लाइट ऑस्टन की गैर ऐलानिया दौरे पर बगदाद आमद। लाइट ऑस्टन का कहना था कि इराक में दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पुरअज़म है। अमरीकी अफवाज इराक की हुकूमत की दावत पर इराक में रहने के लिए तैयार हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन डेर लियन ने रूसी जारियत के खिलाफ यूक्रेन के दिफा में यूरोप के साथ खड़े होने पर कनाडा की तारीफ की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन से खिताब करते हुए यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वॉन डेर लियन ने रूसी जारियत के खिलाफ यूक्रेन के दिफा में यूरोप के साथ खड़े होने पर कनाडा की तारीफ की। उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को बताया कि कनाडा और यूरोप के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ रूस की जंग से मजबूत हुए हैं, जिसे उन्होंने जमहूरियत के लिए एक चैलेंज करार दिया। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त सच्चे दोस्तों को जाहिर करता है। यूरोपीय यूनियन और कनाडा यही हैं। सदर यूरोपीय यूनियन का कहना था कि प्यूतन ने यूक्रेनियों और उनकी आज़ादी को तस्लीम करने से इनकार किया और ये हम आसानी से कबूल नहीं कर सकते। हम यूरोपीय सलामती और अपनी बैन अलावामी बिरादरी की बुनियाद के लिए इस खतरे को कभी भी कबूल नहीं करेंगे और मैं जानती हूं कि कनाडा का अजम भी हमारी तरह ही अटल है। दूसरी जंग अजीम में यूरोप को नाजी कंट्रोल से आज़ाद कराने के लिए लड़ने वाले कनाडा के फौजियों की याद को याद करते हुए वॉन डेर लियन ने माजी और हाल ही में जमहूरियत के दिफा में मदद करने पर कनाडा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, हम अपनी जमहूरियत आपके कनाडा के लोगों के मकरूज हैं। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के 80 साल बाद आज़ादी और जमहूरियत की इकदार अब भी बहरे ओकियानूस के दोनों साहिलों के दरमियान एक मजबूत पुल है। यूरोपीय कमीशन की सदर ने रूस की जंग के खिलाफ यूक्रेन की मजामत और ऑपरेशन यूनिफायर के जरिए यूक्रेनी फौजियों को तरबियत देने पर कनाडा की तारीफ की, जिसके बारे में उनका कहना था कि हमले के पहले दिनों में यूक्रेन को बचाया। वॉन डेर लियन ने अपनी पूरी तकरीर में मुतादित तारीफें वसूल की। अपने खिताब से पहले ट्रूडो ने वॉन डेर लियन को यूक्रेन के पुरजोश हामी के तौर पर मुतारिफ कराया। कनाडा के वफाकी हुकूमत यूक्रेन के टूटे हुए इलेक्ट्रिकल ग्रिड की मुरम्मत के लिए 7 इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स अतिया कर रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी हुकूमत यूक्रेन के टूटे हुए इलेक्ट्रिकल ग्रिड की मुरम्मत के लिए 7 इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स अतिया कर रही है। यह ऐलान
उसी दिन सामने आया है जब यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सला वान डेर लियन साफ तवानाई तिजारत और यूक्रेन के लिए सपोर्ट पर तवज्जो मरकूज करते हुए कनाडा का दौरा कर रही हैं। ट्रांसफार्मर्स को यूरोपीय यूनियन के सिविल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के जरिए पहुंचाया जाएगा, जो एक मुश्तरका रिस्पांस ग्रुप है जो खत्ते में तबाही के रद्दअमल को मरबूत करने में मदद करता है। वान डेर लियन ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ मुश्तरका खिताब के दौरान कहा, मैं यूक्रेन को जनरेटर्स फराहम करने के आपके इरादे का बहुत खैर मकदम करती हूँ, जिसकी इस वक्त बहुत जरूरत है। जहाँ प्यूतन हिकमत अमली से यूक्रेन में तवानाई के बुनियादी ढांचे और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, ये सामान यूक्रेन के लिए कसीर जहती ताबुन का हिस्सा है ताकि तवानाई की अहम जरूरियात को पूरा किया जा सके, क्योंकि ये मुल्क रूस के हमले के दूसरे साल में भी अपना दिफा जारी रखे हुए है। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने एक बयान में कहा कि जैसा कि यूक्रेनी बाशिंदे रूस के मुकम्मल पैमाने पर हमले के असरात का मुकाबला कर रहे हैं, हम यूक्रेन और उसके लोगों के लिए अपने पैगाम का आदा करते हैं। कनाडा आपके साथ है, हमारी हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेनी अपने वतन की जंग में तन्हा नहीं है। कनाडा हमेशा जमहूरियत, खुद मुख्तारी और इंसानी हकूक की हिमायत करता रहेगा। कनाडा हमेशा यूक्रेन की हिमायत करेगा। यह ऐलान इस वक्त भी सामने आया जब वान डेर लियन ने कनाडा से यूरोप को ज्यादा साफ हाइड्रोजन बरामद करने का मुतालबा किया, क्योंकि ममालिक का ब्लॉक रूसी तवानाई से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से हफ्ते के आखिर में शहर में बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिसके मुताबिक तकरीबन 8 सेंटीमीटर बर्फबारी 4 दिनों के दौरान मुतवक्के है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया के लिए आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से हफ्ते के आखिर में शहर में बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिसके मुताबिक तकरीबन 8 सेंटीमीटर बर्फबारी 4 दिनों के दौरान मुतवक्के है। मंगल तक जीटीए के इलाकों में जुमे की रात 20 से 30 सेंटीमीटर बर्फबारी और गरज चमक के बाद शहर में सफाई जारी है। सिटी हॉल ने हफ्ते के रोज बर्फानी तूफान की एक बड़ी हालत का ऐलान किया, जब अमला सड़कों और फुटपाथों को साफ करने का काम कर रहा था। हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत मुतदल रहने और आसमान अबर आलूद रहने की तवक्को है। इसके बाद जुमे को बर्फ टोरंटो में दोबारा दाखिल होगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहर में जुमे और हफ्ते के दरमियान 1 से 4 सेंटीमीटर बर्फ पड़ सकती है, फिर इतवार से पीर तक मजीद 3 से 7 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। एनवायरनमेंट कनाडा ने जुमे और हफ्ते को अबर आलूद रहने की पेशगोई की है, लेकिन वो इतवार और पीर को टोरंटो में तूफान की पेशगोई भी कर रहा है। हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत मुतदल रहने और आसमान अबर आलूद रहने की तवक्को है। इसके बाद जुमे को बर्फ टोरंटो की पेशनगोई में दोबारा दाखिल हो गई है। वेदर नेटवर्क का कहना है कि शहर में जुमे और हफ्ते के दरमियान 1 से 4 सेंटीमीटर बर्फ पड़ सकती है, फिर इतवार से पीर तक मजीद 3 से 7 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। माहौलियात कनाडा ने जुमे और हफ्ते को अबर आलूद रहने की पेशगोई की है, लेकिन वो इतवार और पीर को टोरंटो में तूफान की पेशगोई भी कर रहा है। मजमूई तौर पर हफ्ते के आखिर में टोरंटो में 6 से 8 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ना मुमकिन है। अगले हफ्ते के वस्त में दर्जा हरारत 0 से ऊपर बढ़ने वाला है। हल्की बर्फ, सूरज और बादलों के आमेजे की पेशगोई की गई है। शहर में 17 फरवरी को सिर्फ 19 सेंटीमीटर, 27 फरवरी को तकरीबन 6 सेंटीमीटर और जुमे को कम से कम मजीद 17 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, यानी पिछले 2 हफ्तों में टोरंटो पर तकरीबन 45 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। चीनी वजीर खारजा चेन कैंग ने कहा है कि अमरीका और चीन एक तनाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर अमरीका ने अपनी रविश ना बदली तो तसादम हो सकता है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीनी वजीर खारजा चेन कैंग ने कहा है कि अमरीका और चीन एक तनाजे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर अमरीका ने अपनी रविश ना बदली तो तसादम हो सकता है। उन्होंने अमरीका को तन्वी करते हुए कहा है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, अमरीका को चाहिए कि उसे अबूर ना करे। अमरीका की जानिब से ताइवान को तकरीबन $61 करोड़ से जायद के हथियारों के मुमकिन फरोग से वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए चीनी वजीर खारजा का कहना था कि अमरीका एक सेहतमंदाना मुकाबले के बजाय चीन के खिलाफ कीने और बुग़्ज़ से भरी मुहिम चला रहा है। उन्होंने जोर दिया कि ताइवान के मसले को हल करना सिर्फ चीनियों के लिए तशवीश का बाइस है और किसी दूसरे मुल्क को इसमें मदाखलत का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी का बाइस अमरीका है और अगर उसने अपनी रविश को तब्दील ना किया तो इस मुहिम का इख्तिताम तसादुम पर हो सकता है। चिन कैंग का कहना था कि अमरीका की जानिब से तनाजे को बढ़ावा देने की मजमूम कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात करता है लेकिन खुद कानून पर अमल नहीं करता।
इसको दुरुस्त अमल नहीं कहा जा सकता। चीनी वजीर खारजा ने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन के मुतालिक अमरीका के ख्यालात मस्ख शुदा हैं और वो चीन को एक बड़ा हरीफ और चैलेंज समझ रहे हैं। ये बयानात ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब चीन और अमरीका के दरमियान तनाव इस जजीरे के लिए अमरीकी हिमायत की वजह से बरसों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। चंद माह कबल अमरीकी सीनियर सियासतदानों ने ताइवान के दौरे करके बीजिंग को मुश्तइल कर दिया था। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने कहा है कि अमरीका इराक में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने और दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पुरअज़म है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने कहा है कि अमरीका इराक में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने और दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पुरअज़म है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने इराक का गैर ऐलानिया दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि अमरीका इराक में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखने और दाइश के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पुरअज़म है। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के मुताबिक उनके इस दौरे का मकसद अमरीका और इराक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दोबारा तौसीक करना है। अमरीकी वजीर दिफा ऑस्टन ने कहा कि हमारी तवज्जो दाइश को शिकस्त देने के मिशन पर मरकूज है और हम यहाँ किसी और मकसद के लिए नहीं हैं। हमारी अफवाज को किसी किस्म की धमकियाँ या उस पर हमले इस मिशन को नुकसान पहुँचाते हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने इराकी वजीर आजम मोहम्मद अल सुडानी और वजीर दिफा साबित मोहम्मद अल अब्बासी से मुलाकात के बाद सहाफियों को बताया कि अमरीकी अफवाज इराकी हुकूमत की दावत पर इराक में रहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ इराकी क़यादत में लड़ाई की हिमायत में एक गैर जंगी और मशावरती किरदार में काम कर रही है। अमरीका इराक की सलामती इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी की हिमायत में अपनी शराकत को मजबूत और वसी करता रहेगा। दूसरी जानब इराकी वजीर आजम अल सुडानी के दफ्तर की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि वजीर आजम और अमरीकी वजीर दिफा ने मुलाकात के दौरान दाइश के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वजीर दिफा 20 मार्च 2003 को इराक पर अमरीकी हमले की 20वीं बरसी से चंद रोज कबल ये दौरा कर रहे हैं। 2003 में अमरीका ने हमला करके सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। बाद अजा सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी दे दी गई थी। अमरीका ने 2011 में इराक से अपनी अफवाज को वापस बुला लिया था, लेकिन साबिक सदर बराक ओबामा की इंतजामिया ने दाइश के खिलाफ लड़ाई को तकवीत देने के लिए 3 साल बाद हजारों फौजियों को इराक और पड़ोसी मुल्क शाम में वापस भेज दिया। फिलहाल अमरीका के इराक में 2500 और शाम में 900 फौजी मौजूद हैं जो मकामी फोर्सेस को दाइश के खिलाफ जंग में मशवरे और मदद फराहम कर रहे हैं, जिसने 2014 में दोनों ममालिक के वसी इलाके पर कब्जा कर लिया था। 2017 के आखिर में अपनी इलाकाई शिकस्त के बावजूद दाइश के जंगजू अब भी इराक के साथ साथ शाम में भी हमला कर रहे हैं। हालिया महीनों में दाइश के हमलों में दर्जनों इराकी फौजी हलाक और जख्मी हुए हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।